हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे आज के केस के संबंध में। ये आज क्या हुआ सोनिका देवी केस में, जो कि बहुत ही गंभीर केस था और हो सकता था कि इसमें कोई प्रॉब्लम होती, तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि मेरा वीडियो आगे बढ़े और भी लोग देखें। तो बात कर लेते हैं सोनिका देवी केस के संबंध में। तो ये देखिए केस हुआ था और इसमें कार्बन कॉपी लेके सोनिका देवी गई थी, तो उन्होंने बताया थे कि मेरे अंक जो हैं 66 बन रहे हैं और ये SC ST कोटे से आती हैं, तो उस हिसाब से पास हो रही थी। तो उसके लिए आज दोबारा सुनवाई हुई और जब उनकी मेन कॉपी को मिलाया गया उससे तो कॉपी नहीं मिली, जिस वजह से कोर्ट जो है PNP पर काफ़ी खफा हुआ। लेकिन सोनिका देवी केस में भर्ती पर कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ा और किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया गया है, बस भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। और आप लोग बस नियुक्ति की तैयारी कर लीजिए और अपने सभी कागजात, मूल अभिलेख सभी को इकट्ठा करके फाइल में सेटअप कर लीजिए। तो ये जान लीजिए कि सोनिका देवी केस में किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया गया है, और भी आज दो केस लगे हुए थे उसमें भी स्टे नहीं मिला है। हो सकता है उनकी डेट जो है 4 सितंबर लगे, देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन बस अभी तक तो किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है इस भर्ती पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।